हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये मेरा पीछे का व्यू देख के आपको पता चल ही गया होगा कि मैं कहाँ हूँ। तो ये हमारी नई सीरीज होने वाली है मलेशिया की। तो इस सीरीज में भी आपको वो हर चीज़ मिलेगी जो आप मलेशिया के ट्रैवल के बारे में जानना चाहोगे, जैसे वीज़ा, इमिग्रेशन, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, उसके बाद कहाँ कहाँ घूमें, कैसे घूमें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसा है, या टैक्सी कर सकते हो, कैब कर सकते हो, कौन से प्लेसेस देखना ज़रूरी है यहाँ पे, यहाँ का फूड कैसा है, करेंसी कैसा है, कितना चीप है, कितना महंगा है, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। तो पूरा सीरीज एंड तक ज़रूर देखना और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना प्लीज़। बहुत बढ़िया सीट मिला है इमरजेंसी एग्जिट के, इधर लेग स्पेस का कोई इशू नहीं है। तो ये इतना बड़ा लेग स्पेस है पूरा, एकदम मस्त सीट मिला है। तो इसमें अभी ये एयरपॉड दिए है, पिलो है, शॉल है, उसके बाद यहाँ पे कुछ तो सिस्टम है। अभी इन लोगों ने ये हॉट टॉवल दिया है मुंह पोंछने के लिए। बहुत बढ़िया सर्विस है सिंगापुर एयरलाइंस का। तो बाकी सीटों के लिए ये पीछे सीट के पीछे रहता है एंटरटेनमेंट सिस्टम, बट हम लोग अभी इधर इमरजेंसी सीट पे है। तो ये देखो यहाँ पे एक स्विच है, तो ये बस थोड़ा पुश करने के बाद यहाँ से आ जाएगा। ये यहाँ पे इनका बहुत बढ़िया सा एंटरटेनमेंट सिस्टम है। मैं आपको एक जस्ट क्विक रिव्यू देता हूँ। यहाँ पे माय फ्लाइट है, तो अगर आप यहाँ पे जाते हो ये अभी लोड करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये ऐसा पूरा दिखता है और यहाँ पे आपको ऑप्शन से फ्लाइट प्रीव्यू होता है, मतलब मुंबई से कहाँ कहाँ से होके सिंगापुर पहुँचेगा ये। मतलब हमारा लेओवर सिंगापुर तक, पहला सिंगापुर है, उसके बाद फिर सिंगापुर से मलेशिया है। तो ये पूरा दिखाएगा ऐसा। तो उसके बाद ये मिड फ्लाइट करके भी है, ये ओवर हेड करके है। तो आप ये जूम आउट करके देख सकते हो कितना, मतलब कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ है। तो बेसिकली आप बहुत से चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो बैठे बैठे। यहाँ पे अल्टीट्यूड है फीट में, यहाँ पे डायरेक्शन है, यहाँ पे स्पीड है, और यहाँ पे ऊपर ये दिखा रहा है कि कितना टाइम रिमेनिंग है, 4:50, 4 hours 50 minutes। सिंगापुर में अभी टाइम क्या हो रहा है। उसके बाद अगर स्पॉटलाइट में जाते हो तो उनका हाईलाइट क्या है, क्या क्या है वो दिखेगा। यहाँ पे मूवीज है, टीवी शोज है, म्यूजिक है, ये लाइब्रेरी है, गेम्स है, ऐसा बहुत कुछ है। मतलब आपका 5 घंटे में अच्छा सा टाइम पास हो जाएगा यहाँ पे। ये तो सेटिंग है, कनेक्ट अच्छा है, यहाँ पे मोबाइल भी कनेक्ट कर सकते हो आप। तो ओवरऑल जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा ही है सिंगापुर एयरलाइन। मुझे बहुत दिनों से जाना था सिंगापुर एयरलाइन से, क्योंकि इसी तरह इतनी बढ़िया सी सर्विस रहती है, तो वो एक्सपीरियंस करना था। और एक चीज़ बतानी थी, यहाँ पे सीट में साइड में ये आपको रिमोट मिलेगा, जैसे आप प्ले स्टेशन का रहता है, तो यहाँ पे भी आप लोग, ये शायद गेमिंग का ही है, तो वहाँ पे अभी मैंने स्क्रीन पे दिखाया गेम खेल सकते हो आप। तो ये सारे कंट्रोल्स हैं, और ये भी है, ये ऊपर जो लाइट वगैरह रहते हैं जिसको ये लोग रीडिंग लैम्प बोलते हैं, तो आप यहाँ से भी वो चालू कर सकते हो। बटन दबाना लाइट चालू होगा, तो ये भी एक बहुत बढ़िया है। तो मतलब आप अगर इकोनॉमी क्लास में भी ट्रैवल कर रहे हो तो बहुत बढ़िया से स्किप मिलेगा आपको। अभी ये मील दिया है, यहाँ पे चाट है, डेजर्ट है, दही है,
ये बटर वगैरह है, ये कुछ क्रैकर्स लग रहे हैं। ये मैंने जूस मांगा है यहाँ पे, ये सारे ऑप्शन है, दो तीन प्रकार के जूसेस है, ड्रिंक्स है, टी कॉफी है, तो ये सब भी बढ़िया है बहुत। सो अभी हम लोग टर्मिनल 3 पे है और बोर्डिंग पास मतलब टिकट पे, सॉरी टर्मिनल 1 लिखा है अगला फ्लाइट कनेक्टिंग जो कुआलालंपुर जाएंगे, तो वो टर्मिनल 1 से है। तो आप यहाँ से हम लोग अभी आए तो यहाँ से A15 A21 वाला दिखेगा आपको, या फिर स्काई ट्रेन दिखेगा। एक मिनट में दिखाता हूँ आपको, ये देखो स्काई ट्रेन टू अराइवल एंड ट्रांसफ़र। तो ये स्काई ट्रेन सारे टर्मिनल्स को इंटरनली जोड़ती है, तो इधर आपको दिख भी जाएगा नेक्स्ट स्काई ट्रेन इन 3 मिनट्स। तो वो पकड़ के हमको जाना है टर्मिनल 1, तो वहाँ से हमको अगला फ्लाइट मिलेगा टर्मिनल 1 से। तो ये पूरा मैप है T1 T2 T4 T3। अभी हम लोग है T1 पे और अभी जाना है T3 पे है, जाना है T1 पे। आप लोग जो इंस्टा या फिर यूट्यूब जहाँ पे भी पर वो वाटरफॉल वगैरह सब देखते हैं, तो वो T2 और T1 के बीच में है ये वाला, तो आप फ्री है राइड, तो आप घूम सकते हो T2 से जाके T1, T1 से जाके T2, तो बीच में आपको ये लग जाएगा। तो ये सामने से स्काई ट्रेन आ रही है, हम लोगों ने यहाँ पे पहले उतरना था बट हमको लगा यही T2 पे जाएगी, बट वो नहीं समझा पहले, तो आप हम लोग पीछे गए थे फिर से। तो आप लोग ध्यान में रखना, अगर आपको T1 T2 में जाना है तो आपको T3 पे उतरना पड़ेगा और उसके बाद आपको T1 और T2 के लिए ऑप्शन दिखेगा, तो आप उसके वाइज चूज कर सकते हो किधर जाना है। देखो यहाँ पे सभी तरफ साइन बोर्ड्स लगे हैं स्काई ट्रेन टू T2, वो वाला स्काई ट्रेन टू T1 है, एक्चुअली हमारा T1 ही है बट हमारे पास थोड़ा टाइम है तो हम लोग वो वाटरफॉल वाला देख के जाएंगे। वो हम लोग अभी टर्मिनल 3 पे है, यहाँ पे द वेरी फेमस बटरफ्लाई गार्डन चल रही है एयरपोर्ट का, वो देखेंगे अभी। बहुत बढ़िया गार्डन बनाया है, एक्चुअली हमको लगा था इसके लिए ट्रांजिट लगेगा, मतलब अगर आप सिंगापुर आपका फाइनल डेस्टिनेशन हो तो ही आप देख सकते हो, मतलब इमिग्रेशन वगैरह क्लियर करके, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर T3 में आते हो तो इजीली आप देख सकते हो, यहाँ पे प्रिजर्व भी है। वो ऐसा था पूरा गार्डन, बढ़िया था।
अभी जो आपने सब कुछ देखा वो वाटरफॉल, उसके लिए तो ट्रांजिट वीज़ा लगता है या फिर आपका परमानेंट वीज़ा, परमानेंट मतलब आपका फाइनल डेस्टिनेशन सिंगापुर चाहिए। बट बटरफ्लाई गार्डन वगैरह और दो तीन स्पॉट्स है वो आप यहाँ पे टर्मिनल 3 जाके बी के गेट्स के लिए ढूंढना, मतलब इजी है। वहाँ से स्काई ट्रेन आने के बाद आपको B1 B2 B3 लिखा मिलेगा, उधर से राइट में चले जाना, उधर ही सब कुछ स्पॉट्स है तो वो तो फ्री है। बाकी आपको अगर वाटरफॉल अंदर से देखना है तो आपको सिंगापुर आना होगा, नहीं तो सिर्फ ट्रेन में से ही दिखेगा आपको। वो ये एक है, अगर आपका टर्मिनल 4 से होगा तो आपको यहाँ से जाना होगा ऊपर बस को, बस लेके। हम लोग अभी सीधा सीधा ही जा रहे हैं, बस साइन बोर्ड फॉलो करते जा रहे हैं स्काई ट्रेन टू T1, क्योंकि हमारा T1 पे है। और ये देखो यहाँ पे भी लिखा है पूरा साइन बोर्ड, तो इजी होगा। एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, ये देखो ये वाला नया इंस्टाग्राम जो दिखाते वेव्स का, तो ये है वो। तो ये आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा इंस्टा पे, ये कौन सा एयरपोर्ट है जहाँ पे ये पूरा क्या बोलते हैं वेव्स या फिर समुंदर का एनिमेशन करते, तो ये वही स्पॉट है सिंगापुर का डिकैथलॉन। बहुत ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट है, अभी तक हम लोग पहुँचे नहीं हैं, इधर से तो उधर से आए हैं। ये यहाँ पे ट्रांसफ़र B दिख रहा है, हाँ एक दिख तो रहा है स्काई ट्रेन करके। तो हम लोग अभी ये वाले स्टेशन पे आ गए, T3 है इसमें, तो ये T3 से T1 और यहाँ पे T3 से T2 वापस जहाँ से हम लोग अभी चल के आए, तो बस एक बार कंफर्म करके ही ट्रेन में चढ़ जाना। उधर से आए थे हमारा सेक्शन या फिर हम गेट बोल सकते हैं D46 है, क्योंकि यहाँ पे गेट नहीं बोलते, मतलब गेट बोलते हैं बट यहाँ पे ABCD ऐसा उन्होंने डिवाइड किया है, तो वैसे ही आपको मिलेगा। तो D46 पे हमारा है फ्लाइट, एक स्कूट एयरलाइंस करके, आपने शायद नाम सुना होगा नहीं सुना होगा, बट मैं भी फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ, तो आप अगर उधर देख सकते होंगे येलो कलर का एयरलाइन तो वो है, ये देखते हैं कैसा होगा। स्कूट वाला फ्लाइट ठीक ठाक लग रहा है, लेग स्पेस भी है, मतलब ठीक ठाक है, कम भी नहीं है ज़्यादा भी नहीं है। तो ये यहाँ पे रहता है, अभी देखो ये ज़्यादा रोशनी आ रही है, तो यहाँ पे इधर बटन है, ये नीचे वाला प्रेस करके ये लाइट कम कर सकते हो। और अभी मैंने फिर से बढ़ा दिया, अभी पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर से रोशनी आने लगी। तो फाइनली हम लोग मलेशिया में हैं, बहुत ज़्यादा लेट हुआ फ्लाइट दूसरा वाला, ऑलमोस्ट 2 घंटे हुआ, अभी बज रहे हैं 12:30, हम लोग 10:30 को यहाँ पे पहुँचने वाले थे, अभी देखते बाकी का बाहर कैसे जाए। उसके बाद इमिग्रेशन, अभी पहले तो इमिग्रेशन है, बैग्स कलेक्ट करने हैं, सिक्योरिटी नहीं होगा, बस वो दोनों है। फिर अभी हम लोग T2 पे है और हमारे साथ जो दो लोग हैं वो T1 पे है, तो अभी T1 को जाने के लिए यहाँ से रास्ता है, तो यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन है बस टैक्सी या फिर ट्रेन, तो बस फ्री है तो हम लोग उसी से जाएंगे। लेवल नीचे जाके 8-10 पिलर के यहाँ रुक जाओ, ऐसा बोले वो लोग, इधर पूछा मैंने एक लोग को। अभी हम लोग बस से T1 जाएंगे, तो इनकेस अगर आपके साथ भी ऐसा हो या फिर
आपका होटल उधर T1 के पास हो या फिर आपको T1 के घर जाना होगा तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि आप लोग यहाँ से जा सकते हो। तो ये आपको नीचे आता ही सामने वाला पीला बोर्ड दिख ही जाएगा, फ्री शटल बस टू टर्मिनल 1 डे 18। तो 18 में जाना है, ये A7 है, A11 है, वो आपको छोड़ देगा टर्मिनल 1 को। मतलब आप लोग यहाँ से भी T2 से भी बाहर निकल सकते हैं, बट अभी हमारे दो लोग उधर है तो हम लोग उधर जाएंगे। तो ये आपके ऊपर है, अगर आपका होटल उधर हो या फिर आप मतलब कोई भी रीज़न हो, अगर आपको इंटर टर्मिनल ट्रैवल करना है तो इसलिए बस आप ये वीडियो रेफर कर सकते हो इसके लिए भी। ये देखो यहाँ पे लिखा है टर्मिनल। ओके, तो यहाँ पे बस टिकट के काउंटर है, शायद टिकट खरीदना पड़ेगा, बट फ्री शटल सर्विस है बोला है तो देखते हैं। तो अभी यहाँ से नीचे आए थे तो यहाँ पे जाके बस वो सारे सिटी सेंट्रल में जाने के लिए बस ऐसे सारे जो कि पेड है। तो अभी यहाँ पे डोर 5 दिख रहा है आपको, ओके, तो हमको जाना है डोर 3। तो इसका सबसे अच्छा याद रखने का तरीका है ये, सामने जो ABC1 बिस्ट्रो लिखा है तो उसके राइट में फ्री शटल जो हमको चाहिए T1 को जाने के लिए उसका ये है डोर। ये देखो ये P2 डोर करके डोर 3, तो यहाँ से आपको फ्री शटल मिल जाएंगे जो आपको टर्मिनल दूसरे वाले टर्मिनल में छोड़ेंगे। तो ये कंफ्यूजन था यहाँ पे, तो एक दो लोकल मिले थे उन्होंने बता दिया। अभी जाना है पे A10 डाला जाएगा था, हाँ A8 है, हाँ ठीक है टर्मिनल यही है शायद। एयरपोर्ट पे लेवल 3 पे ट्यून टॉक करके सिम कार्ड का, तो यहाँ पे 25 RM, 35 RM, 50 RM, तो मैं 25 का ले रहा हूँ, 15 GB अनलिमिटेड। द वैलिडिटी ऑफ सिम कार्ड विल बी अभी 7 डे, ओके 7 दिन के लिए, क्योंकि वैसे भी रूम पे होगा, बस बाहर मैप्स वगैरह देखने के लिए गए तो 25 वाला बढ़िया रहता है। तो ये कुछ तो इंडिया में कन्वर्ट करने के बाद 600 तक पड़ेगा, 400 तक, बस आपको यहाँ पे पासपोर्ट लगेगा और वो खुद ही डाल के सब कुछ दे देंगे। यहाँ पे आप ये सब कर सकते हो पेमेंट के लिए। तो ये डालने के बाद 2 मिनट में एक्टिवेट हो गया, ये आपको ऐसा मैसेज आ जाएगा, सेटिंग्स वगैरह वगैरह, और ये हो गया पूरा। लोड हो रहा है, हो जाएगा आपका। हम लोग आ चुके हैं सिटी सेंटर में, कैब किया था 150 ringgit का, मतलब 675 पर पर्सन पर। ये हमारा होटल है, अभी चेक इन करेंगे। तो ये वाला टावर 1 है या फिर टावर 2, और हम जो खड़े हैं वो टावर 1 या टावर 2 जो भी है।